नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से पकड़ते हैं रेस्क्यू में। मैं अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, वो रेस्क्यू का पार्ट 1 था, आज रेस्क्यू का पार्ट 2 है। 3 पार्ट में रेस्क्यू खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। और वही दे रहा हूं जो मेरे नोट्स में है, मैं क्लियर बता देता हूं। कल जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मैंने आप लोगों के लिए कंबाइंड नोट्स बनाया था, वो क्या था, डीजीएमएस माई एग्जाम ट्रैकर, आपका 8 बुक जो डीजीएमएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो 8 बुक एक साथ, ठीक है। क्या करना है नोट्स के साथ, आप अगले वीडियो में देख लो। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग रेस्क्यू पार्ट 2। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्त सुप्रिंटेंडेंट का भाई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या होगा। 3 चीज होता है रेस्क्यू में, कौन कौन होता है, सुप्रिंटेंडेंट, इंस्ट्रक्टर और रेस्क्यू रूम इंचार्ज, 3 चीज होता है। तो ये तीनों का क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, आज हम लोग यही से चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा रेस्क्यू सुप्रिंटेंडेंट। तो भैया कौन रहेगा रेस्क्यू सुप्रिंटेंडेंट, सबसे पहले वो खुद क्या होगा, एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होगा। रेस्क्यू सुप्रिंटेंडेंट खुद एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होगा, ठीक। दूसरा, उसके पास अंडरग्राउंड का मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके पास अंडरग्राउंड का मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा बात क्या आएगा उसके पास, तीसरा बात आएगा उसके पास कि सुप्रिंटेंडेंट जब भी होगा तो फर्स्ट क्लास मैनेजर होगा। कौन होगा, फर्स्ट क्लास मैनेजर होगा। लेकिन कैसा फर्स्ट क्लास मैनेजर होगा भैया, तो होगा नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर। कैसा होगा, नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर, क्लियर। तो सुप्रिंटेंडेंट एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर यूजी एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, और नॉन रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट क्लास मैनेजर होगा। अब बात करते हैं हम लोग इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर कौन होगा भैया, तो इंस्ट्रक्टर भी सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, और अंडरग्राउंड का उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर्स का। अंडरग्राउंड का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कौन सा मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, तो भैया नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट। ये जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट है, यही होना चाहिए। एक बात मैं बता दूं कि रेस्क्यू में जब भी ये सिचुएशन आए ना कि कौन सा मैनेजर काम करेगा भैया, तो कंसेप्ट क्लियर रखो कि वहां पर सर्टिफिकेट मैनेजर का या ओवरमैन का नॉन रिस्ट्रिक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि भैया अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों देखना है आपको, कंबाइंड देखना है, रेस्क्यू रिकवरी बार दोनों जगह चलता है। इसलिए माइंडसेट रखना कि वहां सर्टिफिकेट की जब भी चर्चा होगी ना, नॉन रिस्ट्रिक्टेड चर्चा होगी, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब आता है बारी रेस्क्यू रूम इंचार्ज, रेस्क्यू रूम इंचार्ज कौन बनेगा भैया, तो सबसे पहले वो भी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, और उसको भी मिनिमम 3 इयर्स का अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर मैनेजर है रेस्क्यू रूम इंचार्ज, तो सर्टिफिकेट कौन सा होगा, नॉन रिस्ट्रिक्टेड। और उसके अलावा कौन कौन बन सकता है रेस्क्यू रूम इंचार्ज, ओवरमैन बन सकता है भैया, या फोरमैन सर्टिफिकेट होल्डर बन सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की, क्या है कि ऐसे यूजी माइंस जहां रेस्क्यू रूम नहीं है, तो ऐसे माइंस के एंट्रेंस पे किस शेड्यूल के तहत इक्विपमेंट रखा जाएगा। क्या है, माइंस में एंट्रेंस पर किस शेड्यूल के तहत इक्विपमेंट रखा जाता है, किस शेड्यूल के तहत में, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 शेड्यूल के तहत में माइंस एंट्रेंस पर इक्विपमेंट रखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक रेस्क्यू स्टेशन पर कितने तरह के सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस रखे जाएंगे, एक रेस्क्यू स्टेशन पर कितने तरह के सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस रखे जाएंगे, कितने तरह के रखे जाएंगे भैया, एक तरह के, एक रेस्क्यू स्टेशन में एक तरह के सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस रखे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अब ये 3 क्वेश्चन है आपका प्लान एंड सेक्शन से, ठीक है। ये रेस्क्यू के से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये अंडरग्राउंड से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लान एंड सेक्शन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए इस पे, क्या बोलता है कि
यूजी माइंस में कितने प्लान और सेक्शन के कितने ट्रेसिंग रखे जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? कि एवरी यूजी माइंस में कितने प्लान और सेक्शन ट्रेसिंग रखे जाएंगे, कितने? तीन। और इसको अपग्रेड कितने दिन के अंदर में करना है भैया? इस प्लान और सेक्शन को हम लोग कितने दिन के अंदर में अपग्रेड करके रखेंगे? तो भैया अंडर 3 मंथ। इस ट्रेसिंग प्लान को हम लोग को अपग्रेड कितने मंथ के भीतर में करके रखना है? अंडर 3 मंथ। और ये किस शेड्यूल, इस जो प्लान और सेक्शन है, इस प्लान और सेक्शन में ट्रेसिंग में किस शेड्यूल के तहत संकेतों का प्रयोग किया जाता है? इस प्लान और सेक्शन में जो हम लोग संकेतों का जो इस्तेमाल करते हैं, वो संकेत जो है वो किस शेड्यूल के तहत में रहता है? किस शेड्यूल के तहत में रहेगा भैया? शेड्यूल 5। किस शेड्यूल के? शेड्यूल 5। तो प्लान और सेक्शन से रेस्क्यू में 3 क्वेश्चन क्या है कि प्लान और सेक्शन के कितने ट्रेसिंग रखे जाएंगे? 3। ये ट्रेसिंग जो है प्लान और सेक्शन का, इसको कितने दिन के अंदर अपडेट करके रखेंगे? अंडर 3 मंथ। और ट्रेसिंग में किस शेड्यूल के तहत में संकेत का प्रयोग करेंगे? तो शेड्यूल 5। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि भैया अगर कोई नया कैंडिडेट रेस्क्यू ट्रेनिंग ले लिए जाता है तो क्या है क्वेश्चन? कि अगर कोई नया कैंडिडेट रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए उसके पास? सबसे पहले आएगा एज फैक्टर। एज क्या होगा? एज होगा भैया उसका 21 to 30। क्या होगा? 21 to 30। दूसरा क्या होगा? उसके पास होना चाहिए फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। और तीसरा चीज क्या होना चाहिए उसके पास? शेड्यूल 6 के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट। क्या होना चाहिए? शेड्यूल 6 के तहत में क्या होगा? फिटनेस सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बोलता है कि रेस्क्यू ट्रेनिंग का सिलेबस किस शेड्यूल के तहत बनाया जाता है या होता है? क्या है कि रेस्क्यू ट्रेनिंग का सिलेबस किस शेड्यूल के तहत बनाया जाता है या रहता है? किस शेड्यूल के तहत में? शेड्यूल 6 के पार्ट 1 के तहत में। किसके तहत में? शेड्यूल 6 के पार्ट 1 के तहत में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को कैसी शिक्षा और अभ्यास प्राप्त करना होता है, यानी कि रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को कैसा एजुकेशन एंड प्रैक्टिस प्राप्त करना होता है? कैसा? शेड्यूल 7 पार्ट 2। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को कैसी एजुकेशन और प्रैक्टिस प्राप्त करना होता है? तो भैया जैसा कि शेड्यूल 7 पार्ट 2 में दिया गया है। कैसा करेगा? शेड्यूल 7 पार्ट 2 के जैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का मेडिकल, भैया रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का जो है ना, हम लोग का मेडिकल कितने दिनों में करना है? तो भैया मिनिमम 12 मंथ में एक बार करना है। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का मेडिकल कितने दिनों में होगा भैया? मिनिमम 12 मंथ में 1। और किस शेड्यूल में होगा? शेड्यूल 6। किस शेड्यूल के तहत होगा? शेड्यूल 6। अभी मैं जब दूसरा बोर्ड बना रहा था ना, तो दो भाई ने मेरे कमेंट किया कि सर जो आपने मेटेरियल बनाया है वो माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा बंच है ना भैया, या तो आप माइनिंग सरदार के एग्जाम में बैठ रहे हैं, ओवरमैन के एग्जाम में बैठ रहे हैं, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का एल पेपर, मैं वर्किंग मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, वेंटिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एल पेपर, यहां तक के डीजीएमएस के एग्जाम कवर करने के लिए इज अ कंप्लीट टास्क। करना क्या है उसमें से कुछ एक चीज छोड़ देना है, इलेक्ट्रिसिटी रूल छोड़ दीजिए, वीटी रूल छोड़ दीजिए, बाकी सब आपके काम का चीज है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दिवाली का बम्पर ऑफर है, आप दिवाली के दिन तक इसको जो खरीदिएगा वो 1500 रुपये में खरीदिएगा, और दिवाली के बाद यही चीज आपको 2000 रुपया मिलेगा। आपके पास टाइम भी कम है, आप नौकरी वाला आदमी, आपको पढ़ना है, आप लोग देख लीजिएगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 8540874274, आप वहां पर कॉन्टेक्ट कीजिए, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
माइंस के अंदर प्रवेश करने के पहले रेस्पिरेटरी यंत्र की लीकेज की जांच कौन करेगा? क्या है रेस्क्यू का अगला क्वेश्चन? कि माइंस के अंदर इंट्रेंस करने से पहले रेस्पिरेटर की लीकेज की जांच कौन करेगा? कौन करेगा भैया? टीम लीडर साहब करेंगे। कौन करेगा? टीम लीडर करेगा। आगे क्या बोलता है कि रेस्क्यू इक्विपमेंट के यूज के समय टीम लीडर कितने इंटरवल पर ऑक्सीजन के दाब यानी ऑक्सीजन प्रेशर का रिकॉर्ड रखेगा? क्या क्वेश्चन? कि रेस्क्यू इक्विपमेंट के यूज के समय टीम लीडर कितने इंटरवल पर ऑक्सीजन प्रेशर का रिकॉर्ड रखेगा? कितने पे? एवरी 20 मिनट पर। कितने पे? एवरी 20 मिनट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है उसमें कि यूजी में रेस्पिरेटर का यूज करने वाली टीम के किसी भी मेंबर को कितना देर रखना है? जो रेस्पिरेटर हम लोग यूजी में रखते हैं वह रेस्क्यू एंड रिकवरी टीम में जो लगा हुआ बंदा है वो मैक्सिमम कितने टाइम तक रखेगा? डेढ़ घंटा तक। और ये जो डेढ़ घंटा है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन घुमा के दागता है। ये जो डेढ़ घंटा है या एक घंटा या डेढ़ घंटा से पौने दो घंटा, ये जो टाइम का निर्धारण है ये कौन करेगा भैया? ये करेगा रेस्पिरेटर के लिए टाइम का निर्धारण कौन करता है? सीआई द्वारा होता है। कौन करेगा? सीआई साहब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि लीडर को मिलाकर रेस्पिरेटर यूज करने वाले टीम में मेंबर की संख्या क्या होगी? क्या है रेस्क्यू में अगला क्वेश्चन? कि लीडर को मिलाकर रेस्पिरेटर यूज करने वाले टीम में मेंबर की संख्या क्या होगी? क्या होगी? 5 से कम नहीं होगी भैया और 6 से अधिक नहीं होगी। क्या होगा? 5 से कम नहीं होगा और 6 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेस्क्यू टीम के मेंबर एक दूसरे से संवाद के समय जनरली किस शेड्यूल के तहत संकेतों का प्रयोग करते हैं? क्या है अगला क्वेश्चन? कि रेस्क्यू टीम के मेंबर एक दूसरे से संवाद करते समय जनरली किस शेड्यूल के तहत संकेतों का यूज करते हैं? किस शेड्यूल के तहत? शेड्यूल 7। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम के ऑनर के किसी भी सेवाओं और सुविधाओं का खर्च कौन देगा? क्या है अगला क्वेश्चन? कि रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम के ऑनर के सभी सेवाओं और सुविधाओं का खर्च कौन देगा? कौन देगा भैया? माइंस ऑनर देगा, माइंस का मालिक देगा भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम की परीक्षा यानी टेस्ट और इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? रेस्क्यू रूम हो चाहे रेस्क्यू स्टेशन हो, इसका इंस्पेक्शन, इसका टेस्ट, इसका रख रखाव का जांच कौन कर सकता है? तो भैया सीआई साहब करेंगे या आरआई साहब करेंगे या इसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट जो इंस्पेक्टर होगा वो करेगा। तीन चाहे, सीआई, आरआई या इसके लिए प्राधिकृत जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट किया गया है वो करेगा। क्लियर? चलिए अगला क्या बोलता है, रेस्पिरेटर की जांच कितने दिनों में की जाएगी भैया? तो रेस्पिरेटर की जांच कितने दिनों में करेगी? मंथ में एक बार। अब अगला क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, एक टर्म है मैं बता देता हूं आपको कि रेस्क्यू रिकवरी में जिस इक्विपमेंट में ऑक्सीजन में 1% से अधिक अशुद्धियां पाई जाएगी वह इस्तेमाल नहीं की जाएगी। फिल इन द ब्लैंक करके दे देगा भैया कि रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क में किसी इक्विपमेंट में O2 में कितने परसेंट की अधिक अशुद्धि मिले तो काम में नहीं लाई जाएगी या यूज नहीं की जाएगी। तो क्या होगा इसका आंसर? 1% O2 किसी भी इक्विपमेंट में या कहीं भी O2 1% से कम है तो उसका यूज नहीं करना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्लो मीटर की जांच कितने दिनों में एक बार की जाएगी भैया? किसकी जांच? फ्लो मीटर की जांच कितने दिनों में एक बार की जाएगी? तो फ्लो मीटर की जांच की जाएगी भैया मिनिमम 6 मंथ में एक बार। कितने? 6 मंथ में एक बार। और
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है रेस्क्यू में कि श्रवण क्षमता भाई सुनने की शक्ति जो है वो परफेक्ट है, इसका सर्टिफिकेट इसका प्रमाण क्या है, व्हाट इज द हियरिंग पावर सर्टिफिकेट कितना है, कैसे मानेंगे हम इस चीज को। तो इसको मानने का एक तरीका है कि बंदा जो है वो 3 मीटर के डिस्टेंस से अगर किसी की बातचीत को सही ढंग से सुन सकता है तो मानिए कि उसका श्रवण क्षमता यानी हियरिंग पावर बेस्ट है। क्लियर। चलिए अब एक चीज आता है कि रेस्क्यू ट्रेन पर्सन को भैया मेडिकल में हम लोग को कितने समय कितने इंटरवल पर हम लोग को क्या करना है, एक्सरे जरूर लगवाना है उसका। तो ये जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का एक्सरे है वो साल कितने दिनों के इंटरवल पर लगेगा, तो भैया 2 साल के इंटरवल पर रेस्क्यू ट्रेन पर्सन का चेस्ट का हम लोग का एक्सरे निकालना जरूरी है। और इस एक्सरे में क्या देखना है कि चेस्ट का जो है विंड यानी चेस्ट जो फूलेगा और दबेगा उसका जो इंटरवल होगा वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो रेस्क्यू एंड रिकवरी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था इसका पार्ट 2 खत्म यहां पे करते हैं आज हम लोग। एक वीडियो और बनेगा आपका रेस्क्यू खत्म, कोशिश करूंगा कि आज एक इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको वीडियो दूं। ठीक है। चलते चलते आप लोगों से पूजा गुजारिश करूंगा, मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में बांटिए। भाई डिपार्टमेंटल एग्जाम है, मैं भी आप ही लोग के डिपार्टमेंट में हूं। ठीक है। तो थोड़ा मेरा भी हिम्मत उम्मत बढ़ाइए भाई, दोस्तों में थोड़ा शेयर कीजिए। और जहां तक किसी भी बंदे को किसी भी भाई को कहीं भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8540874274, आप यहां कॉन्टेक्ट कीजिए। किसी भी प्रकार का नोट चाहिए यहां पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको बिल्कुल सहायता मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बहुत दिनों से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, नए लड़के या हमारे पुराने भाई बंधु लोग भी ना कोचिंग वोचिंग करते हैं, तो एक बात बता दूं, कोचिंग कर लो मेरा यूट्यूब देख लो, एग्जाम ट्रैक नहीं कर पाओगे, ट्रैक वही कर पाओगे जो आपके दिमाग में घुस रहा है, बात समझ लो, और घुसेगा तब जब पढ़ोगे आप खुद, बात समझ लोगे नहीं। वीडियो देख लिए फलना साहब का, कोचिंग कर लिए फलना, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सबका एक समान नहीं होता भैया, सबका डिफरेंट डिफरेंट है, दुनिया में जितना आदमी है सबका दिमाग अलग अलग है, तरीका ये है कि आप कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, बात समझ लोगे नहीं। तो थोड़ा आपको तरक्की चाहिए तो आपको एक अलग टाइम एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो जहां तक मैंने बताया था कि अगर आप दिवाली तक इसको ऑर्डर करते हैं तो प्रॉफिट है, या उसके बाद भी आपको मिलेगा, कोई बात की बात डरने की बात नहीं है। ठीक है। धन्यवाद।